उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है, भाजपा का गठबंधन है, लेकिन जो तीसरी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिससे समीकरण जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हर सीट पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद सेक्टर के प्रमुख हैं रणविजय जी। रणविजय जी, ये बताइए क्या रणनीति है और क्या बहन जी जो है मुरादाबाद चुनाव प्रचार के लिए आएंगी? जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 15 अप्रैल को 2024 को मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जो कि श्री रामलीला मैदान 9 पार मुरादाबाद में आयोजित की गई है। अच्छा, ये बताइए ये क्या रणनीति है कि अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, मुरादाबाद मंडल में तमाम सीटें मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और सबको भागीदारी देती है। बहुजन समाज पार्टी का ये शुरू से ही नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। उसी के तहत आप देखेंगे कि जो टिकटों का वितरण हुआ है वो तमाम सभी समाजों को उसमें भागीदारी देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। अब चाहे आप प्रजापति को देख लें, प्रजापति समाज से श्री दारा सिंह जी को बहन जी ने कैंडिडेट बनाया है। इसी तरह ब्राह्मण समाज के भी कई टिकट हुए हैं, गुजर समाज के भी टिकट हुए हैं, जाट समाज के भी टिकट हुए हैं, लेकिन मुस्लिम बहुत सीटों पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारे हैं मायावती जी ने। नहीं, ऐसा नहीं है, समीकरण का होता है। जैसे मुरादाबाद की सीट पे मोहम्मद इरफान सैफी को यहाँ से कैंडिडेट आदरणीय बहन जी ने बनाया है और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका चुनाव रहेगा। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह जगह जगह विवाद देखने को मिल रहे हैं, तो इससे क्या जो परंपरागत वोट माना जाता था मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि इसकी नाराजगी का फायदा आपके प्रत्याशियों को मिलेगा मुस्लिम प्रत्याशियों के नाते? देखिए, उनकी पार्टी का मसला वो जाने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में भाईचारा बनाकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और इससे पहले भी भाईचारे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़े हैं और निश्चित तौर पर सब समाज बहुजन समाज में अपनी आस्था जता रहा है और आने वाला जो इसका रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बसपा सुप्रीमो मुरादाबाद किस दिन आ रहे हैं, कार्यक्रम क्या फाइनल हो चुका है? जी, मैंने बताया था कि 15 अप्रैल को श्री रामलीला मैदान 9 पार मुरादाबाद में बहन जी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तैयारी करनी शुरू कर दी आप लोग? हम सब लोग तैयारी में हैं और बहुत हमारे पार्टी के सभी लोग और सभी कार्यकर्ता सभी समर्थक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय बहन जी आएँ और उनका संबोधन सब सुने। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के चेहरे जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि कई जगहों पर मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और ऐसे में ध्रुवीकरण का जो पूरा मौका है मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन का, वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को लगता है कि इससे इनके प्रत्याशियों को जीत मिलेगी। और पहले चरण में जिन सीटों पर 19 तारीख को मतदान होगा वहाँ पर मुरादाबाद हो या सहारनपुर हो, कुमारी बहन मायावती जो है वो बड़ी रैलियाँ करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो है चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।